उत्तर प्रदेश जिला बरेली में बिजली कर्मियों की लापरवाही से अघोषित बिजली कटौती से परेशान पश्चिम उद्योग व्यापार मंडल ने दिया चीफ इंजीनियर को ज्ञापन। आपको बता दें, पश्चिम उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ल के नेतृत्व में विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन दिया और मांग की कि शहरी व्यावसायिक क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की गई थी, लेकिन बिजली कर्मियों की लापरवाही से अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे गर्मी से परेशान हैं। नई बस्ती संजय नगर इलाके में बिजली कर्मी सहयोग नहीं करते। हर हाल में पुराने ट्रांसफर बदले जाने चाहिए। बिजली चेकिंग के दौरान प्राइवेट कर्मी शराब पीकर हंगामे करते हैं। शहर में अघोषित कटौती पर रोक लगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित व्यावसायिक और उद्योग शहरी क्षेत्रों में बिजली की कटौती न की जाए और पर्याप्त बिजली दी जाए। क्या मामला था आज बिजली विभाग में? देखिए, आज व्यापार मंडल, चूंकि बहुत दिनों से बरेली में बिजली समस्या थी और इस समय न सिर्फ व्यापारी जनता बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी बड़ा पीड़ित हैं बिजली से। सुबह स्कूल जाते हैं तो लाइट चली जाती है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए इतना कर रहे हैं, ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, इतनी योजनाएं ला रहे हैं, साथ में बिजली 24 घंटे देने की व्यवस्था की गई थी, उसके बावजूद भी बिजली विभाग क्या मुख्यमंत्री महोदय के आदेश का भी पालन नहीं करेगा? जिस तरीके से अघोषित कटौती शहर में हो रही है वो निंदनीय है। आज हम लोग ज्ञापन लेकर आए थे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन होगा और आगे मुख्यमंत्री जी को